नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानू एम2जॉब रे स्वागत। तो फ्रेंड्स देखु आज भिडटी रही आपंपाई एम2जॉब यूट्यूब चैनल मध्यम गोटे ओडिशा सरकार निजुक्ति सुजोग नहीं आसी जहाँकि देखु एज लिमिट रोचे 18 रु 38 वर्ष पर्यंत एवं यो ओडिशा सरकार निजुक्ति रोचे एथिरे केवल गोटे सिंगल रिटन एग्जाम हम जदि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करदे ताहले डायरेक्ट सीधा सड़क आम ओडिशा रो भुवनेश्वर रे आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम। तापर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सारा पर डायरेक्ट आपण घर को जॉइनिंग लेटर आसीबो एवं मासे रु 2 मास भितर आपण पोस्टिंग मध्य हेइजिबे। जदि कहिबी आपणकर पाखापाखी 2023 जून भितर आपन जॉब रे थिबे एवं सैलरी मध्य बहुत बढ़िया रहउची। जदि आपण ए पदवी रे सिलेक्शन हे जाउछंती प्रथम मास रु आपण 35000 टंका पाखापाखी आपण सैलरी पाइबे। ए जो आज रो पदवी रहउची ओडिशा सरकार नियुक्ति सुजोग ए पदवी रे ऑल ओडिशा बोथ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट माने आज रो ए पदवी रे एलिजिबल होई पारिबे। तो केमिति कोन आवेदन करिवे, एग्जाम पैटर्न कोन रहिची, तो सब किसी डिटेल्स जणेबी वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु। तो फ्रेंड्स मु वर्तमान आज रो ए वैकेंसी रो ऑफिशियल वेबसाइट रो पीडीएफ फाइल रे विजिट करूची। आपन को जदि ए ऑफिशियल वेबसाइट रो लिंक एवं ए पीडीएफ फाइल टी दरकार ताहले आपण कोन करिवे ना आज रो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे विजिट करिवे। सेठी मु आज रो ए जो वैकेंसी रहउची ए वैकेंसी रो वेबसाइट रो लिंक दे देथिबे। जेमिति कि देखंतु आपनकर वैकेंसी टी आसीची ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तरफ रु आपण मानक पई नियुक्ति टी रहउची। आपनकर पोस्ट नेम रहउची जूनियर क्लर्क तरफ रु आपण मानक पई नियुक्ति टी रहउची। ऑनलाइन डेट आपनकर आरंभ होउची 12 नवंबर 2022 रे आपनकर ऑनलाइन डेट टी आरंभ होबो एवं ऑनलाइन लास्ट डेट रहिबो 11 डिसेंबर 2022 आपनकर ऑनलाइन लास्ट डेट रहिबो। एवं ए पदवी रे जो एग्जाम होबो टेंटेटिव डेट रहिछि आपनकर मे भी आगुआ भी हेई पारे टिके डेट घुंची भी पारे जहा कि सीबीटी एग्जाम जो होबो आपनकर जनवरी 2023 रे आपनकर सीबीटी एग्जाम टी होबो। तापर फ्रेंड्स देखंतु आपनकर ए जगह रे वैकेंसी डिटेल्स कथा जदी कहिबी जूनियर क्लर्क रो पदवी रहउची एसटी पई रहउची 12टी पदवी, एससी पई रहउची 7टी पदवी, एससीबीसी पई रहउची 7टी पदवी, यूआर पई रहउची टोटल उपरे 24टी पदवी रहउची। तो देखंतु सैलरी कथा जदी कहिबी देखंतु आपनकर प्रथम वर्ष आपण ट्रेनिंग पीरियड रे रहिबे। ट्रेनिंग पीरियड रे आपण को स्टाइपेंड मिलिबो जहा कि 13,500 टंका स्टाइपेंड मिलिबो गोटे वर्ष पर्यंत। तापर गोटे वर्ष परे आपनकर परमानेंट हे जिवो एवं बेसिक सैलरी जहा कि आपनकर 26,400 टंका बेसिक सैलरी रहिबो। ता सहित टीएडीए एचआरए मिसी की आउरी एक्स्ट्रा 10,000 टंका मिलिबो। तो पाखा पाखी 36,000 टंका दरमा आपण प्रथम मासरु पाई परिबे जदि ट्रेनिंग आपनकर सरी जाउची। तापर सैलरी टी बढी बढी आपनकर बेसिक सैलरी 83,600 टंका पर्यंत आपनकर सैलरी जिवो। तो फ्रेंड्स देखंतु आपणकर ए जगह रे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोन रहउची ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपण जे कोनसी भी ग्रेजुएशन पास करिथिबे से +3 हो बा बीटेक हो बा लॉ हो। आपण जदी ग्रेजुएशन पास करिसंती आर्ट साइंस कॉमर्स जे कोनसी स्ट्रीम रु भी ताहले आपण एलिजिबल होई परिबे। किंतु आपणकर ए जगह रे गोटिए वर्षर पीजीडीसीए बा आपण कंप्यूटर कोर्स जदी करिथिबे ताहले जाई कि आपण एलिजिबल होई परिबे। नहले आपणकर और रे रहिची डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट रे जदी आपण डिप्लोमा करिथिबे ताहले मध्य आपण एलिजिबल होई पारिबे। एज लिमिट कथा जदी कहिबी देखंतु जनरल एवं ईडब्ल्यूएस ओबीसी पिला मानकर एज लिमिट रहउची 18 रु 38 वर्ष। एज कैलकुलेशन हबो 1 अक्टूबर 2022 को एज कैलकुलेशन हबो। एससी एसटी एससीबीसी ऑल वुमेन स्टूडेंट मानकर 5 वर्ष रो एज रिलैक्सेशन रहिबो। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट मानकर 10 वर्ष रो एज रिलैक्सेशन रहिबो। अर्थात एससी एसटी एससीबीसी एवं झियो पिला माने ए जगह रे आपणकर एज रिलैक्सेशन रहउची। तो से माने 18 रु 43 वर्ष पर्यंत एलिजिबल होई पारिबे। पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट माने 18 रु 48 वर्ष पर्यंत एलिजिबल होई पारिबे। तापर देखंतु एग्जाम पैटर्न कोन रहिची ता मध्ये मु आपन को जणै देबी एवं एई पदवी रे आवेदन करिया पय हेले वेबसाइट एवं डॉक्यूमेंट कोन कोन सब दरकार ता मध्ये मु आपन को जणै दोउची। तो देखंतु सिलेक्शन प्रोसेस जा कि केवल सीबीटी एग्जाम माध्यम रे आपनकर सिलेक्शन करा जिवो। 120टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहिबो आपणकर प्रत्येक सब्जेक्ट रु 30टा क्वेश्चन आसीबो जेमति कि रीजनिंग रु आसीबो 30टी क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रु आसीबो 30टी क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज रु आसीबो 30टी क्वेश्चन एवं मिसी के आसीबो जनरल अवेयरनेस एवं कंप्यूटर नॉलेज रु 30टा क्वेश्चन मिसी के आसीबो। टोटल ऊपर 4टी सेक्शन रु 30-30टा क्वेश्चन आसीबो 120 मार्क रो हबो एग्जाम। आपणकर नेगेटिव मार्किंग मध्ये रहिबो 0.25 रो नेगेटिव मार्किंग रहिबो एवं ए जो सीबीटी एग्जाम हबो ए सीबीटी एग्जाम रे टोटल ऊपर 2 घंटा आपणकर समय मिलिबो। तापर आपणकर जो रिटेन एग्जाम देइथिबे किछि गोटे आपणकर शॉर्ट लिस्टेड से माने करिवे, किछटा पिलांगु से सिलेक्ट करिवे, तापर आपणकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई डाकिबे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपणकर ए जगह रे आपण देखि परथिबे भुवनेश्वर रे आपणकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हबो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हला परे आपणकर गोटे मेडिकल टेस्ट हबो। मेडिकल टेस्ट जस्ट नॉर्मल आपणकर ब्लड प्रेशर ठीक अछि कि नाही, आपणकर हाइट केते अछि, वेट केते अछि, आखिर पावर केते अछि, बस नॉर्मल एतिकी को ही देखिबे। आपणकर मेडिकल रे काहा को भी काटंतेनी एतिकी को देखिकी तापर आपणकर घर को जॉइनिंग लेटर पठेबे। तापर आपण आसीबे ट्रेनिंग रे रहिबे। गोटे वर्ष ट्रेनिंग सरि सरला परे आपणकर दरमा 35 रु 36000 टका आपणकर दरमा हेइ जिवो। तो फ्रेंड्स देखंतु ए पदवी रे जो आपण आवेदन करिवे ना, आवेदन करिया पे हेले केउ वेबसाइट रे विजिट करिवे। देखंतु हाउ टू अप्लाई www.ohpcltd.com वेबसाइट रे विजिट करिकी ए पदवी रे आवेदन करिवे। एवं ए पदवी रे आवेदन करिया पे हेले केउ सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो ना, आप निजर पासपोर्ट साइज फोटो देवे, सिग्नेचर देवे, 10th सर्टिफिकेट देवे, प्लस 2 सर्टिफिकेट देवे, कंप्यूटर सर्टिफिकेट देवे, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देवे एवं आपनकर जदी कास्ट सर्टिफिकेट अछि कास्ट सर्टिफिकेट देवे, पीडब्ल्यूडी कास्ट जदी आपण बिलोंग्स करूछंती ताले पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट देवे, जदी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अछि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देवे एवं आपनकर जदी कोनोसी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस अछि ताले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मध्ये देवे। तो फ्रेंड्स देखंतु पाखा पाखी मु सब किछि डिटेल्स आपनको जणै देली नहले आपनकर देखंतु। तो फ्रेंड्स देखंतु ए जगह जदी आपनकर कोनोसी जदी डाउट रही जाउछि ए जगह रे आपनकर हेल्पलाइन नंबर मध्ये रहिछि। जेमिति कि देखंतु ऑफिशियल वर्क रे आपण ऑफिस टाइम रे आपण 10टा रु नै कि 5टा पर्यंत आपण संध्या 5टा पर्यंत आपण तांको कॉल करि परिबे। ए जगह रे नंबर दिया जाइछि, जहा भी डाउट रहुछि आपण तांको डायरेक्ट सीधा सळक कॉल करि के मध्ये आपण कथा हे कि आपनकर जहा भी डाउट बा जहा भी प्रॉब्लम रहिबो आपण पचारि परिबे। तो देखंतु वेबसाइट टे रहिछि www.ohpcltd.com वेबसाइट रे विजिट करके आपण नेटपाल को जाइए ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करदेवे। एवं फ्रेंड्स एप्लिकेशन फी कथा जदी कहिबे देखंतु सबु वर्ग पिला मानक पई एप्लिकेशन फी 500 टका रहुछि। केवल एससी एसटी एवं आपनकर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट मानकर एप्लिकेशन फी ए जगह रे कोनोसी रहू नै, नहले आ सबु वर्गर पिला मानक पई एप्लिकेशन फी 500 टका रहइबो। तो आपण जते बेले ऑनलाइन आवेदन करिवे सेते बेले ऑनलाइन माध्यम रे ही आपण एप्लिकेशन फी टुकु देबे। एवं फ्रेंड्स देखंतु पाखा पाखी मु सब किछि डिटेल्स तो जणै देली, तथापि जदी ए वैकेंसी रिलेटेड कोनोसी जदी डाउट रहूछि ताले कमेंट बॉक्स रे विजिट करी कमेंट करिवे, मु आपनकर निहाती भाबे रे रिप्लाई देबी। तो भाबिबे नाही जे ओडिशा गवर्नमेंट जॉब रहूछि बहुत कम सैलरी रहूछि बहुत कम वैकेंसी रही आम आवेदन करूँ कि नहीं। जदि आप प्रिपेरेसन करुँच कंटिन्यूसली प्रिपेरेसन करुँच 3 रू 4 मास 5 मास 6 मास होदी आप प्रिपेरेसन करुँचे निहाती भाव में आवेदन करूँ। जमीक देखूँ एसटी अच्छी 12टा पदवी, एससी अच्छी 7टी, एससीबीसी अच्छी 7टी, यूआर अच्छी आपंकर 24टी पदवी, पीडब्ल्यूडी अच्छी 2टी, एक्स सर्विसमैन अच्छी 1 पदवी। ऑल ओडिशा कट ऑफ जीव। तो जो मैंने पढ़ापढ़ी करुँच तो निहाती भाव में आवेदन करने भूलें ना। जदि कौन डाउट रहुछि कमेंट बॉक्स रे विजिट करी कमेंट करिवे। तो आज पाइथिला एतिके अपडेट रहिली। धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।